पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में मैं दिव्या वैद आपका स्वागत करती हूँ। और आज जिस मूवी की हम बात करने वाले हैं उस मूवी के ऊपर मैंने चार लाइनें लिख ली। उजड़ा है चमन पर ना सोचिए कि बर्बाद हो गए, उजड़ा है चमन पर ना सोचिए कि बर्बाद हो गए, सोचते हो दुनिया की तभी तो ये फसाद हो गए। तुम्हें भी बनाया है खुदा ने अपने ही हाथों से, तुम्हें भी बनाया है खुदा ने अपने ही हाथों से, छोड़ दुनिया की और देख कैसे तेरे सपने भी आबाद हो गए। चलिए स्वागत करते हैं, हमारे साथ है उजड़ा चमन की टीम। वी हैव सनी सिंह, वी हैव अभिषेक एंड वी हैव करिश्मा। थैंक यू। ओके, सबसे पहली चीज़, मूवी रिलीज हो चुकी है, देख लिया है, कैसा रिस्पॉन्स है और कैसा लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है रिस्पॉन्स। आई थिंक व्हाट वी एक्सपेक्टेड वी गॉट दैट। आई थिंक जो सोचा था वो तो मिल गया रिस्पॉन्स। आई रिमेम्बर पीपल कमेंटिंग, और वो होता ना जब मूवी रिलीज हुई धड़ धड़ सारी चीज़ें आती हैं फास्ट, एवरीबडी इज कमेंटिंग दिस एंड दैट, एंड आई सॉ द कमेंट, दे वर सो मच, दे वर रिलेटिंग टू इट एंड दे वर कनेक्टेड टू द कैरेक्टर एज वेल। So I think that is for an, but that respect for an actor and the whole team was a big achievement. First day jo reaction tha wo kaisa raha? Yeah, I think what he said na, jo ne bola ke normally hum film release hoti to Instagram ya Facebook message aate hai ke log congratulate karte hai, but log film ke bare mein baat kar rahe hai ke maza aaya, ek message tha, to people are talking about all those things. So I think wo sirf ek baat karne ke liye baat nahi kar rahe, बट दे उनको काफ़ी कुछ समझ आया फिल्म से। तो आई थिंक वो एक अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट आई थिंक हमारी है जो हमें मिली है उस फिल्म की। सो मूवी की रिलीज़ की जब बात है, सो डेट्स बहुत ज़्यादा आगे पीछे हुई है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? एक ही बार हुई है। मैं क्यों? क्या मैं तो आठ को आया था। ओके, तो क्या क्या रीज़न है? रीज़न तो सबको पता ही है कि मतलब कोई नई बात नहीं है, हम तो आठ को आ रहे थे। बट अगर मैं आपसे क्लियरली पूछूँ कि क्या रीज़न है, तो योर रीज़न वुड बी? सो मैं फिल्म आठ को अनाउंस की थी, आई थिंक जो दूसरी फिल्म है पहले 22 को थी, फिर 15 को हुई, फिर मेरे आठ अनाउंस हैं वो 7 को आ गई। तो आई थिंक मैं क्लैश अवॉइड करना चाहता था। एंड क्लियरली यू वुड लाइक टू टेक द टैग, क्योंकि लिखा है कि टकले की पहली और असली फिल्म। मतलब मैं वो इंसान हूँ, अगर प्रॉमिस करता हूँ तो पूरा करना चाहता भी हूँ। तो जब प्रॉमिस किया था कि टकले की पहली और असली फिल्म, तो पहले आना पहले इम्पोर्टेंट बात थी, और असली तो क्यों राइट्स ऑन की है, तो असली फिल्म मेरी होगी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद अभिषेक कि आप दोनों के लिए, मतलब वी नो, मैंने खुद सेट पे भी देखा है दैट यू आर फ्रेंड्स और आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, बट हाउ इजी फॉर दिस वाज फॉर यू कि अभिषेक के लिए सनी बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर्सनल लाइफ, बट कोई जैसे हम फ्रेंड्स में बात करते हैं ना कि यार कुछ बिना कहे समझ जाते हैं दोस्त, है ना? तो अगर सनी की जगह कोई और कैरेक्टर होता, कोई और एक्टर होता, तो आप कितना, आपके लिए टफ रहता किसी और एक्टर को इस रोल में डालना? कि टफ नहीं बोलूँगा, बट एक प्रोसेस इजी हो जाता है, बिकॉज एक ट्यूनिंग है, एक बॉन्डिंग है। तो जो चार लाइन में समझाना पड़ता है अभी इसको, वो आठ लाइन में समझाना पड़ता है किसी और को, तो प्रोसेस लंबा होता है। ऐसे कोई इजी तो कुछ नहीं होता है। टू गेट हिम अंडर द कैरेक्टर ऑल्सो टेक्स टाइम, बिकॉज ही ऑल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट, ही विल हैव हिज ओन पर्सपेक्टिव, पर मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि मुझे ऐसा चाहिए। तो वो एक तरीका थोड़ा आसान होता है इफ़ यू नो ईच अदर सिंस वेरी लॉन्ग। कोई और एक्टर होगा समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो टफ नहीं होता, प्रोसेस लंबा होता है। व्हेन यू डोंट नो द पर्सन दैट वेल, वी नो ईच अदर सिंस 20 मोर देन 20 इयर्स नाउ आई थिंक, तो थोड़ा आसान हो जाता है काम। यस, ओके। सो सनी, दिस इज योर फर्स्ट सोलो लीड मूवी, और आपने, मतलब आपने बहुत आंसर दिया होगा आई थिंक, बट मेरा पर्सनल मैं जानना चाहती हूँ कि यार, मतलब ये लड़का, ही इज़ डूइंग सो गुड इन बॉलीवुड, इतना क्यूट है, एंड आप अपनी सोलो लीड जब ले रहे हो तो टकला, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? मतलब आपके पास पता लगा कि ये कैरेक्टर है, तो आपको फर्स्ट क्या था कि यार मैं, मतलब मैं टकला हो जाऊँ, ऐसा कुछ हुआ, थॉट आया? वैसे तो मैंने जय मम्मी दी भी की है, yeah. जान में आ रही है, बट ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने ये किया, बिकॉज आई थिंक आफ्टर दिस पीपल वोंट थिंक फॉर मी एज एन एक्टर, परफॉर्मेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर मैं एक्टर होके ये सोचने लग जाऊँ कि हीरो 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 ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये देना चाहिए, यही करो, मैं पूछ रही हूँ, मतलब जैसे बॉलीवुड में बॉडी बनाना, लोग लॉन्च होते हैं, बॉडी बनाई, ये करा, एंड यू नो दे आर लॉन्चिंग, और आपका अगर सोलो लीड है तो आपको 1% भी थॉट नहीं आया? मतलब हम ये मान लिए कि मैं सोचता ही नहीं हूं, बिकॉज़ सी टकला हो जाऊं, आगे काम कैसे होगा एंड ऑल, आई हैव ग्रोन अप वाचिंग परफॉर्मेंसेस, नॉट गोइंग मैड बिहाइंड फेम,
And when I see something, I see very productive and films, which are Indian films, Hollywood films, where people are playing characters and giving a meaning to it. There are people who have acted in 7 or 8 films in their life. I think their characters are outstanding, what they have played. So for every person, it's a different journey. I do a Masi film. I do a film which is a character-driven, a film which is an ensemble. I think that doesn't matter. A person, as an audience, who remembers that person throughout their life, through the performance, is most important. Did you also choose this role because of Abhishek? कि चलो अगर कहीं दिक्कत आई भी तो अभिषेक ही तो है, यू नो, गाइडेंस ज़्यादा अच्छी मिलेगी, कंफर्टेबल रहोगे आप? नहीं, ये तो रहता ही है कि व्हेन यू हैप्पी दैट ऑब्वियसली, जब आपके कोई घर का ही होता है तो आप वैसे भी खुशी रहते हो. एंड ही हैज वन अ नेशनल अवार्ड. दिस इज आल्सो द रीज़न कि भाई डर नहीं है कि कर लो, चलो. ऑल्सो टू से दैट ही हैज वन अ नेशनल अवार्ड बिफोर फॉर बूंद एंड वेर ही कम्स फ्रॉम, द हाउ मच टाइम ही गिव्स इन हिज क्राफ्ट. I've seen him. So while doing the movie, I knew that was sing bad guy. काफ़ी बार क्या होता है, अब कोई इंसान का डेब्यू होता है, बट यू वेरी यू इन टू माइंड्स. बट आई वॉज ओनली कंसर्न अबाउट माई सेल्फ बिकॉज आई नो दैट वॉट ही वॉन्ट्स. ही वॉज वेरी मच, ही हैज बिलीव इन मी एंड द सेम विथ मी. सो डिस्कशंस बहुत होते थे, इनपुट्स बहुत आते थे और इम्प्रोवाइजेशंस भी होती थी, जिससे कि वो वाइब थी फैमिली जो बनी थी और सारे एक्टर्स थे काफ़ी रिसेप्टिव थे, तो उसी से ही काम होता है. आई थिंक इट्स मोर अबाउट द कैरेक्टर एज ही सेड, बिकॉज इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट यू वांट टू प्ले अ कैरेक्टर, यू वांट टू प्ले अ पर्सन मोर देन यू वांट टू प्ले अ हीरो, आई थिंक. ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, आई थिंक 2 घंटे लगते हैं आपको रेडी होने में उस कैरेक्टर में. सवा 2 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे. आई वांट टू नो, मैं खुद भी ये सोचती हूँ कि यार एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, रोज़ वो चीज़ करना, एंड एक प्रोसेस होता है कि आप सेट पे आते हो, आपका मेकअप हो रहा होता है, आप स्क्रिप्ट पढ़ लेते हो एंड ऑल स्टफ. बट उस टाइम पे चमन कोहली के तो आपने सब पढ़ लिया कि अभी चमन कोहली को जाके बाहर क्या करना है, बट उस टाइम पे सनी सिंह क्या करता है जब 2-2.5 घंटे मेकअप हो रहा है? मस्ती करता हूँ, ज़्यादातर तो मस्ती करता हूँ. बीइंग, यू नो, थोड़ी देर में तो चमन कोहली बन जाना है, बट अभी आप क्या हो? मैं सनी हूँ, जो बचपन से. क्या सनी क्या कर रहा होता है उस टाइम? कुछ नहीं करते, शरारतें करते हैं, मस्ती करते हैं. लाइक पेरेंट्स को कॉल कर लिया या कुछ कर लिया, मतलब क्या कुछ एक चीज कॉल कर लिया, नेटफ्लिक्स देख लिया, मैनेजर को कॉल कर लिया सबसे पहले. सीरियसली, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, मैनेजर को कॉल कर लिया, ही बताओ क्या क्या चल रहा है, ठीक है, गाने सुन लिए लाउड, ऑल पंजाबी म्यूजिक, पंजाबी. ही इज कम इन द वैन, ही टॉक, वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर, रीडिंग्स. फिर कोई ना कोई गेस्ट आ जाते हैं ऐसे, घर पे आते हैं ना, यहाँ भी आ जाओ, जाओ कॉफ़ी पियोगे, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, तो बस वी इंजॉय इट. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस मूवी में, मतलब वैसे आप नहीं हो, यू आर वेरी स्वीट, वेरी क्यूट, बट आप, यू हैव यूज्ड भोले से लड़के को, आपने टीचर को भाई पेपर मिल जाएगा, ऑल स्टफ. इन रियल लाइफ कभी किसी का फायदा उठाया हो? नॉट इन, सो इवन विद हिम, अपना काम निकालो बेसिकली. इवन विद हिम, आई डोंट थिंक इट वाज लाइक इन अ इविल वे, इट वाज वेरी वेरी स्वीट, वेरी क्यूट एंड वेरी चार्मिंग. दैट दैट्स व्हाट आई थिंक, क्यूटली किसी से अपना कोई काम निकाला है लाइफ में वो एक. हां, आई हैव डन दैट इन कॉलेज. आई यूज्ड टू मेक माय सीनियर्स डू माय असाइनमेंट्स. ओके सनी, आपकी जो लास्ट मूवी, इससे पहले जो मूवी थी सोनू की, रीटू की स्वीटी, उसमें भी यू आर वेरी क्यूट, इनोसेंट, मैं कहूँगी बड़ा इनोसेंट सा लड़का. इसमें भी आप बड़े इनोसेंट, इसमें कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट हो, मतलब इतना प्यार आ जाए देख के कि यार इसके साथ क्या हो रहा है, यार ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ. तो अब आगे जो आपकी मूवीज आ रही हैं, डू यू वांट टू ब्रेक दिस काइंड ऑफ इमेज कि भाई अब बड़े क्यूट और इनोसेंट लड़के की बन गई है? जब तक इनोसेंट चल रही है, सिमिलैरिटी है, एक इमेज सेट हो गया कि यार क्यूट इनोसेंट लड़का, आई थिंक तो कुछ और, कुछ गुंडागर्दी और टाइप स्टफ. मैं तो काफ़ी कुछ करना चाहूँगा जो डिफरेंट है, बट मैं वो पूछना चाहती हूँ, जब आप एक आई थिंक रोमांटिक फिल्म करते हो, रोमांटिक कॉमेडी भी करते हो, या एक फिल्म करते हो जिसमें प्रॉपर कैरेक्टर जैसे ये है, इसमें कॉमेडी भी है, इसमें मैसेज भी है, तो आई थिंक वो बेचारा वाला साइड आ जाता है कहीं ना कहीं. But when you do an action film, that is different.
when you do a grey side, that is different. So I would love to do that also, explore that. So now, this movie is all about loving yourself, hai na? हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मुझे तो बहुत पसंद है, लाइक मेरे घर वाले कहते हैं ऐसे मत हंसा कर, मुझे तो अच्छा लगता है मैं ऐसे हंसती हूँ. तो आपको अपनी कोई एक ऐसी चीज़ बतानी है जो आपको लगता है भाई आई लव इट, बट दुनिया को लगता है कि आपके अंदर चेंज कर देनी चाहिए. सो लेट स्टार्ट विद करिश्मा. आई यूज टू नॉट बी कम्फर्टेबल विथ माई स्माइल बिफोर. ओके. एंड अ लॉट ऑफ पीपल वुड टेल मी दैट नो आई डोंट नो, बट देन आई थिंक with the period of time I started liking my smile. Se matlab aap smile se resist kaise kar sakte ho? I don't know, I was never comfortable. I used to be like, no, I'm not very comfortable, I don't think I have a good smile. You never used to give smile to people? No, I used to, but I used to feel that it's not good. But then over a period of time, now I feel like I have the cutest smile. No, but what is something jo log aapko bolte hain ki apne andar change kar do, but you, kyunki hamari movie mein yahi hai ki yaar nahi, उसने विग भी लगाई सब कुछ करी, बट एट द एंड आई एम कंफर्टेबल मैं ऐसा ही. मुझे कैन बी एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम फिजिकल आल्सो, राइट? मुझे कहते थे कि नाम चेंज कर लो, क्या ये कर लो. मैं क्यों करूं? मैंने नहीं करना, मत अच्छा नाम है. तो मैं ये करता था, तो फिर काफी लोगों ने बोला, मतलब तो बेटर टू बी व्हाट यू आर. नथिंग रियली, ऐसा कुछ है नहीं कि लोगों ने बोला चेंज कर, या दिस पीपल टेल मी आई एम नॉट वेरी सोशल, व्हिच आई लाइक टू बी इन माय ओन लाइफ एंड माय ओन सर्कल. I mean, कितने दोस्त बनाने यार, वो भी तो है ना, पता होना चाहिए. So now let's talk about जब आपने देखा प्रोमो बाला का, तो आपको obviously एकदम शॉक लगा कि यार ये क्या है, मेरे जैसी मूवी है, तो वो रिएक्शन और वो सब क्या था? कुछ नहीं था, मतलब देखा, थोड़ा सिमिलर चाहिए थी, तो डायलॉग मैच हो गए थे, एक आधा सीन भी मैच हो गए थे. तो फिर बाकी तो पब्लिक में आ ही गया जो लीगल प्रोसीडिंग हुई है. तो आई थिंक it's more of something which was told and not done properly. Okay. तो सनी इस मूवी में हिंदी प्रोफेसर है, हिंदी सिखा रहे हैं. आप तीनों की हिंदी कितनी अच्छी है? बहुत अच्छी है. अच्छी है. माइंड ब्लोइंग है. बोल के दिखाओ. So I'm giving you few words. आपको मुझे ये बताना है. ये चैलेंज गलत है. कि उसे हिंदी में क्या कहते हैं? मैं ये गलत हो गया. हिंदी में क्या कहते हैं? गलत हो गया. क्या क्या क्या? और मैं नॉर्मल लैंग्वेज ठीक है. मैं आपको वर्ड्स दूंगी और इंग्लिश में दोगे, हिंदी में बताना. इंग्लिश के वर्ड नॉर्मल हम जैसे यूज करते हैं वर्ड्स, आपको हिंदी बताना है. So I'll be starting with Abhishek. Oh my God. Abhishek को कैमरा से बहुत. और अगर मुझे अरे यार अगर मैं कैमरा को हिंदी में क्या कहते हैं? गलत बात है ये तो. कैमरा को हिंदी में क्या कहते हैं? चित्र समथिंग हो गया यार, आई डोंट नो. Guess it, come on. मुझे नहीं पता कैमरा को. No, no, no. फोन आ रहा है किसी का? चित्रहार? नहीं नहीं, चित्रहार के जैसा कुछ है. चित्र कैप्चर को क्या बोलते हैं? नहीं पता, बताइए. आप ऑप्शंस तो दे दीजिए. नहीं, ऑप्शंस नहीं है. तो कैमरा को कहते हैं प्रतिबिंब लेने की पेटी. ये व्हाट इज इट अगेन? बट आवर कैमरामैन, उन्होंने मुझे बता दिया. ओके, लड़कियों को फोटोज का बहुत शौक होता है. फोटोग्राफ को क्या कहते हैं? वेरी इजी. चित्र. चित्र. बहुत पास हुआ. चित्रकला. नहीं नहीं, कला थोड़ी है, कला तो आर्ट होगी. चित्र. चित्र. अच्छा, चित्र से पहले कुछ लगा दो बस, उन्हें किसी को भी नहीं पता, इधर उधर कहीं मत देखो, सिर्फ मुझे पता. कुछ होगा, अभी चित्र तो हो गया, आगे पता नहीं क्या होगा. मैं बोलूं? चल चित्र. चल चित्र. नहीं नहीं, दस इमोशन. अच्छा, नहीं बता, दस इन्हें मैंने बताया. स्टिल. बोलो क्या स्टिल को क्या बोलते हैं हिंदी में? हां, ठहरा. नहीं नहीं, ठहरा नहीं. मैं आपसे क्विज कर रहा हूं. मैं आपके पास स्टिल को क्या बोलते हैं? ओके, सो द आंसर इज छाया चित्र. छाया चित्र. छाया. ओके, टाई को क्या कहते हैं? टाई. हां, बहुत आसान है. टाई. 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 अच्छा, जिंदगी में पहनी नहीं कभी. टाई. इजी. टाई पहनने लगी. इजी है. टाई को क्या बोलते हैं? टाई को क्या बोलते हैं? जे आई नो दैट. टाई और इट टाई, राइट? हां, गले. अच्छा, गले में पहनते हैं टाई, तो गले को क्या कहेंगे हिंदी? लगाओ समथिंग. गले को गले. लंगोट. सनी इज वेरी नियर. चाय कहीं इधर-उधर से हेल्प हो रहा है, बट इट्स वेरी नियर. मैं मौसम का हाल देख. लंगोट इज वेरी करेक्ट. इसके आगे कुछ लगाना है. गल लंगोट. नहीं नहीं नहीं, गल लंगोट पूरा नहीं बताया. गल लंगोट. लंगोट गला. क्या गला? इट्स कंठ लंगोट. कंठ लंगोट. ये कहाँ से आ रहे हो यार? क्रिकेट. क्रिकेट. ये बता मेरे को. नहीं पता, ये तो सबको मैं सुना हुआ है. इसे नाम बहुत लंबा है, मेरे को पता है पर याद नहीं आ रहा. अच्छा, इस पूरे लंबे नाम में तीन चीज भी सही बता दोगे तो आई विल गिव यू मार्क्स. खेल तो है. खेल नहीं है. नहीं है तो गेंद होगा.
नहीं बल नहीं नहीं पल्ले मैंने बोला ऊट पटांग समथिंग है। अरे सोचो 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 बहुत इजी है वैसे। इजी तो नहीं है। आप बोल दो नहीं। इजी तो नहीं है। गिव अप कर दो। गिव अप। गोल गुत्तम लक्कड़ बत्तम दे दमादम प्रतियोगिता। ये टूर्नामेंट हो गया प्रतियोगिता टूर्नामेंट हो गया। लेट्स टॉक अबाउट बाल क्योंकि बालों की बात है ना तो हम बॉलीवुड में बॉलीवुड की बात करते हैं बालों की बात करते हैं। ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ओके सो द नेक्स्ट थिंग इज बॉलीवुड में आपने मुझे ये बताना है कि अकॉर्डिंग टू यू चलो सनी से स्टार्ट करते हैं बॉलीवुड में सबसे अच्छे बाल किसके हैं। शाहरुख खान सर। इवन आई एग्री। अब शाहरुख खान का नाम ले दिया आपने शाहरुख खान सर का तो भाई आप मुझे एक ऐसी मूवी का नाम बताओ जिसमें शाहरुख खान अपने हीरोइन को प्रेज कर रहे हैं उनके लिए गाना गा रहे हैं। यस बहुत शांति हो। अरे रुक जाओ बट उसमें बालों का जिक्र है। कल होना मैं हूं ना गाना मैं हूं ना गाना मैं किसके किसका है ये तुमको बाल का है मैं बोल रहा हूं बाल तेरी जुल्फों से बाल का सिनोनिम तेरी जुल्फों से वही तो डर पिक्चर है उसे मैं खेलूं वो गाना है ना गाना तो दे दो मेरे को बोला मैं जादू तेरी नजर वही तो है यार। पांच सॉन्ग बॉलीवुड के जिसमें बालों की बात हो रही है तारीफ हो रही है बाल का कुछ भी सिनोनिम यूज हो रहा है। जब जुल्फे तेरी मुड़े क्या जब जुल्फे मेरी वो वाला गाना ठीक है नहीं वन बाय वन बताओ कौन सा बताया आपने मुझे समझ नहीं। जब जब जुल्फे तेरी एक ही का ना एक ओ हसीना जुल्फो ओके दो साथ में बोल दिया क्विक 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 ये रेशमी जुल्फे एक और ना चांद निकला वो भी तो है बालों की उसमें भी है हमारी फिल्म का हमारी फिल्म का ना है उसमें है बालों की चांद निकला। ओके ठीक है चार तो कर दिए मैंने मैं जीत गया ना अब तो एक और बता दो चार बताया यार सनी एक और बाला उसमें बाला कैरेक्टर नेम। ओके द सॉन्ग्स आई रोट मैं जीता ये तो बता दो चार हो गए ना चार तो मैंने बोले सो विद दिस थैंक यू सो मच आप पहले बोलो मैं जीता सनी जीत गए सनी सब लड़कियों का दिल भी जीत गए हैं और मैं जाते जाते लेकिन ये जरूर पूछना चाहती हूँ सनी मतलब इस मूवी से करिश्मा ने जो करा है प्लीज दिल्ली की लड़कियों के बारे दिल्ली की लड़कियों के बारे में मतलब आप ऐसा तो नहीं सोचते ना कि लाइक एवरीवन बिल्कुल नहीं सोचता मैं। विद दिस वी विल वाइंड अप और अगर अभी तक आपने उजड़ा चमन नहीं देखी है तो जाइए जल्दी से उजड़ा चमन जाकर देखिए एंड इसी के साथ स्टे ट्यून्ड विद पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स थैंक यू सो मच।